और प्रदेश प्रभारी स्वयं भाजपा के नेताओं को मतलब एक तमाचा मार रहे हैं, ये बात बोल के भाजपा के नेताओं को तमाचा मारे, और सच्चाई है ये। विधायक साथी हमारे रविंद्र भाई भी हैं, साथी अभी लोकसभा के साथी हमारे उम्मीदवार राम जी भी हैं, हमने कहीं हाथ नहीं बढ़ाया है, ठीक है, उन्होंने हाथ बढ़ाए, हमने कहीं हाथ नहीं बढ़ाया आगे से, नहीं हमने आगे से किसी को प्रपोजल दिया है, लोग आगे से प्रपोजल दे रहे हैं। कि राजनेता जब होते तो राजनीति की बात जरूर होती है, चाहे आप कोई भी कार्यक्रम में जाए उसको राजनीति के तौर से जज किया जाता है। आज का जो पूरा कार्यक्रम रहा और इसको आपके मारवाड़ क्षेत्र में बढ़ते कदम की ओर तौर पर देखा जा रहा है, तो आने वाले भविष्य में राजनीति क्या कहेगी मारवाड़ की? और उन्होंने बाद में कहा हम गठबंधन, अरे हमने कहा ही नहीं गठबंधन के लिए आपसे, हमने कहा ही नहीं गठबंधन के लिए। आज एक संजोग बैठा है यहाँ पर कि विश्व आदिवासी अधिकार दिवस पे हम अनेक विचारधाराओं के लिए एक मंच पे आए हैं, आदिवासियों के अधिकारों को। राजस्थान में कई सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में बीएपी आगे क्या दिशा तय करने वाली है, क्योंकि बीएपी को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस के साथ जाएगी, कुछ कह रहे हैं आरएलपी के साथ जाएगी, और जैसे अग्रवाल साहब का बयान आया उसके बाद कहा जा रहा है अब राजकुमार राव जी बीजेपी के साथ भी गठबंधन कर सकते। वो हमारे विधायक किसी कार्यक्रम को लेकर महाराष्ट्र गए थे, किसी सीएम से मुलाकात करना गलत बात थोड़ी है, वो जानबूझ के एक माहौल बनाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, वो काम नहीं करना है उनको, सिर्फ बयानबाजी करनी है और सिर्फ एक माहौल बना के, जैसे कि मान लो धर्म का माहौल बनाए, आपस में जातिवाद का माहौल बनाए, उस तरह से माहौल बना के उनको सत्ता में बना रहना है। दो जगह उपचुनाव है, सलोम्बर और चौरासी, हम एक तरफा जीतेंगे। हनुमान बेनीवाल के साथ मुलाकात को लेकर भी कई अफवाहें चल रही है। देखो किसी से मुलाकात करना कोई अफवाह नहीं होता है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से जो फैसला उसके बाद कई तरीके की बात आई।